स्टूडेंट्स, आज हम सिक्स क्लास की रेनबो का फर्स्ट लेसन स्टडी करेंगे। इस लेसन का नाम है लर्निंग टुगेदर। लर्निंग मीन्स होता है ज्ञान अर्जित करना, मीन्स सीखना। टुगेदर मीन्स होता है साथ साथ। इस पोएम में कवि बच्चे की तरह कल्पना करता है तथा सिक्स क्लास के बच्चे की तरह है और उस क्लास की प्रशंसा करता है। इस पोएम में पोएट का नाम नहीं दिया गया है, एनोनिमस है, अर्थात अनजान या गुमनाम है। फिलहाल चलिए इस चैप्टर को हम लाइन वाइज पढ़ते हैं। सिक्स ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस, सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। ग्रेड कहते हैं श्रेणी, क्लास की। जो छठी क्लास है वो एक खास है, मीन्स सिक्स क्लास का एक विशेष स्थान है। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, देखो मेरे चेहरे पे बहुत बड़ी बड़ी सी मुस्कराहट है। Our class is a great team. हमारी क्लास एक महान टीम है। We make our teacher beam. Beam कहते हैं खुश करना। हम अपने अध्यापकों को खुश रखते हैं, खुश करते हैं। We work hard each busy day, then out to the yard to प्ले। हमारा दिन बहुत बिजी होता है, हम सारे दिन मेहनत करते हैं और मेहनत करके और सारे दिन बिजी होकर हम क्या करते हैं, अपने टीचर्स को खुश रखते हैं, स्टडी करते हैं, टीचर्स को खुश रखते हैं। और मेहनत करने के बाद देन आउट टू द यार्ड टू प्ले, जब हम थक जाते हैं तो हम खेलने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, मल्टीप्लिकेशन इज फन। मल्टीप्लिकेशन कहते हैं गुणा। जो गुणा एक फन है, यानी गुणा करने में हमें मजा आता है। 9 times 9 is 81। 9 बार 9, 9 बार 9 का गुणा करने पर क्या बन जाता है, 81, 81 हो जाता है, 81 हो जाता है। लर्न द मैथ फैक्ट्स 1 through 10, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। गणित फैक्ट्स कहते हैं तथ्यों के लिए। हम गणित के तथ्यों को 1 से 10 तक सीखते हैं और उनको लर्निंग करते हैं और उनको बार बार उनको दोहराते हैं। प्ले ए गेम, सिंग अ सॉन्ग। लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग। बुक्स टू रीड, पोएम्स टू से, लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे। खेल खेल खेलते हैं, गाना गाते हैं, पूरे साल ढेर सारा मजा करते हैं। बुक्स टू रीड, पोएम्स टू से, किताबें पढ़ने के लिए और पोएम्स कहने के लिए। लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, रोज हम नई नई चीजें सीखते हैं, चाहे गाना हो चाहे पढ़ना हो, हम रोज नई नई चीजें सीखते हैं। नेक्स्ट लाइन है, रीडिंग राइटिंग स्पेलिंग टू, सो मस्ट टू लर्न, मस्ट टू डू, हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस टू, वी इवन लर्न अबाउट द ओशन ब्लू। रीडिंग, रीडिंग मीन्स होता है पढ़ना, राइटिंग मीन्स लिखना। तो पढ़ना लिखना
और स्पेलिंग याद करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा सीखने के लिए होता है। सिक्स क्लास में पढ़ना लिखना और स्पेलिंग याद करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा सीखने के लिए है और करने के लिए है। हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस टू वी इवन लर्न अबाउट द ओशन ब्लू। इतिहास हिस्ट्री कहते हैं इतिहास के लिए, ज्योग्राफी भूगोल साइंस विज्ञान। तो इतिहास भूगोल विज्ञान सभी को हम सीखते हैं। इवन मीन्स यहाँ तक कि वी लर्न हम सीखते हैं किसके बारे में, ओशन के बारे में। ओशन कहते हैं समुद्र के बारे में कि समुद्र नीला क्यों है, ये भी हम सीखते हैं। वर्किंग हार्ड टिल द ईयर्स एंड वी आर क्लासमेट्स एंड गुड फ्रेंड्स, वी आर प्राउड ऑफ प्रोग्रेस वी हैव मेड, वी आर गेटिंग रेडी फॉर द 7th grade। वर्किंग हार्ड मीन्स कठिन परिश्रम करना। टिल द ईयर्स एंड वर्ष के अंत तक मीन्स साल के अंत तक हम बहुत मेहनत करते हैं। वी आर क्लासमेट्स एंड गुड फ्रेंड्स, हम सभी क्लासमेट्स हैं मीन्स सहपाठी हैं और अच्छे दोस्त भी हैं। वी आर प्राउड ऑफ प्रोग्रेस वी हैव मेड, और हमें अब बहुत ज़्यादा प्राउड कहते हैं गर्व, प्रोग्रेस कहते हैं प्रगति, जो हमने उन्नति की है, जो हमें अपनी जो की हुई प्रगति पर बहुत गर्व होता है जो हमने पूरी साल की है। वी आर गेटिंग रेडी फॉर 7th grade। अब हम क्या हो गए हैं, 7th श्रेणी में, 7th class में, यानी 7th कक्षा में हम जाने को तैयार हो गए हैं। 6th grade इज ए स्पेशल प्लेस, सी द विग स्माइल ऑन माई फेस। 6th class बहुत ही खास होती है, एक स्पेशल क्लास है, एक स्पेशल स्थान रखती है, जिसकी वजह से मेरे चेहरे पर मुस्कराहट है। तो बच्चों इस तरह से ये पोएम फिनिश होती है और आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी। और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं वो मैं PDF में डालूंगी। समझ में नहीं आए तो मुझे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना, जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक यू।